अनिता कन्गो, आज अपन बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस के नेक्स्ट पार्ट को अपन स्टडी करेंगे, जिसमें अपन ने पहले जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पढ़ लिया था कि किस किस तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज अपन करेंगे कि चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण के लिए यानी डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह से किया जाता है। इसमें पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए दो मेथड्स हैं, गॉवी मेथड और फैराडे मेथड, है ना। गॉवीज मेथड में क्या होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है कि किसी चुंबकीय पदार्थ का की चुंबकीय प्रवृत्ति आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए एक सरल और उत्तम विधि है। इस विधि में गॉवीज बैलेंस होते हैं, जैसा डायग्राम में दिखाई हुई है। इस बैलेंस के अंदर इसके बीच में एक ट्यूब होती है, जिसे हम गॉवीज ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब जो होती है, उस ट्यूब में पदार्थ को पीस कर भर लिया जाता है और उसके बाद इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो विद्युत चुंबक लिखा है वहाँ से उसको इलेक्ट्रिसिटी जोड़ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अप्लाई की जाती है। मैग्नेटिक इसमें क्या होता है कि एक टाइम होता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और दूसरा टाइम होता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं। तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके इसको 4 to 5 hours तक छोड़ दिया जाता है और उसके बाद इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्ञात की जाती है, वेट निकाला जाता है। तो इन दोनों के वेट का जो अंतर होता है उससे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अतः उनका चुंबकीय आघूर्ण ऐसे पदार्थ पर यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए और उनमें प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। फलते ऐसे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण बल रेखाएं जो हैं वो प्रतिकर्षित करने के कारण भार में कमी आ जाती है और भार में कमी आने के कारण हम ये कह सकते हैं कि ये पदार्थ जो है डायमैग्नेटिक है। इसके विपरीत यदि अनुचुंबकीय पदार्थ होता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण वह चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के कारण दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में खींच जाता है, जिससे भार में थोड़ी वृद्धि आ जाती है और वृद्धि आ जाने के कारण हम इसे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और इन दोनों की विशिष्ट स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी ग्राम में या भार प्रवृत्ति में निकालने के लिए एक्सजी फॉर्मूला जो है xg = 2L ∗ dlm / h² ∗ 2m से हम ज्ञात कर सकते हैं। और यदि ये ग्राम प्रवृत्ति को अणुभार से गुणा कर दिया जाए तो पदार्थ की हमें मोलर प्रवृत्ति मिल जाती है। तो इस तरह से हम गॉवीज मेथड से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है फैराडेज मेथड। फैराडे मेथड में पदार्थ के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य पदार्थ को लटकाया जाता है और चुंबकीय लटकाने के कारण इसका मान स्थिर रहे, एम द्रव्यमान, एक्स चुंबकीय प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ की एक असममित क्षेत्र एच के मध्य एक्स दिशा ∂H/∂x में लटकाया जाएगा और एक्स एच पर पदार्थ एक एफ बल अनुभव करेगा, जिसे फॉर्मूले में दिया है F = m मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी H₀ ∂H/∂x। इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है और इससे बल ज्ञात करने के लिए पदार्थ को पहले चुंबकीय क्षेत्र और फिर चुंबकीय क्षेत्र की एब्सेंस दोनों में, चुंबकीय क्षेत्र में और अनुपस्थिति में तोला जाता है और दोनों भारों का अंतर एफ के बराबर होता है। सामान्यतः प्रयोग को सरल करने के लिए ये ज्ञात प्रवृत्ति वाले पदार्थ हैं पर लगाए गए जन्य बल ज्ञात किए जाते हैं। यदि इसका स्टैंडर्ड और अननोन दोनों यौगिकों का समान चुंबकीय क्षेत्र रेडिएंट को लगा जाए तो दोनों की तुलना में अज्ञात यौगिक की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात की जा सकती है, जिसे कि फॉर्मूले में दिया गया है। अब इसके बाद आते हैं कि हमने ये देखा कि फैराडे और जो गॉवीज मेथड है, इन दोनों मेथड पे तकनीक पर आधारित है, पर इनमें से जो फैराडे मेथड की तुलना में गॉवीज बेहतर मानते हैं। फैराडे प्रतिध्वनि पदार्थ की आवश्यकता की कम मात्रा पड़ती है, कुछ मिलीग्राम में ही हो जाता है, जबकि गॉवीज मेथड में लगभग 1 gram से अधिक आवश्यकता पड़ती है। फैराडे विधि में सीधे विशिष्ट प्रवृत्ति की जानकारी मिलती है, जबकि गॉवीज मेथड में हमें वॉल्यूम सेंसिबिलिटी ज्ञात की जाती है, जिसे पदार्थ के घनत्व की सहायता से उसकी विशिष्ट प्रवृत्ति को परिकलित किया जाता है। चूंकि पदार्थ की पैकिंग से उसका घनत्व प्रभावित होता है, अतः इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम की एक्यूरेसी में थोड़ा अंतर आ जाता है। तो इस तरह से हम दोनों मेथड से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है स्पिन ओनली फॉर्मूला। स्पिन ओनली फॉर्मूला में क्या होता है कि किसी भी पदार्थ की मोलर प्रवृत्ति xm की सहायता से ज्ञात किया जाता है और उस पदार्थ की
प्रति परमाणु या आयन कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण के चक्रण सूत्र का ज्ञात किया जाता है, जिस फॉर्मूला है न्यू इजिकल टू 4s(s+1)2s(s+1)2। यहाँ s कुल चुंबकीय कोण आघूर्ण क्वांटम नंबर है, जो परमाणु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n के साथ s(n/2) द्वारा संबंधित है। और इसको स्पिन ओनली फॉर्मूला इसलिए कहा जाता है कि यदि केवल अनपेड इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाली जाएगी तो वो होगा न्यू इजिकल टू n(n+2)2 या √n(n+2)। तो इसे निकाला जाता है और इसको टेबल में दिखाया गया है कि जैसे टाइटेनियम +3 वेनेडियम +4, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट, इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इस फॉर्मूले में फिल्ड करने के बाद 1.73 आएगा। इसी तरह से क्रोमियम में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो आएगा 3.18। इसी तरह से Mn+2 में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा 5.92। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1.73, 2 है तो 2.83, 3 है तो 3.88, 4 है तो 4.90 और 5 है तो 5.92 मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट किया जाता है। और इस फॉर्मूले से सभी, यदि हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है तो हम उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बहुत इजी मेथड है जिसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।